यहाँ दोनों मिलकर लड़कर देख लिए सपा और बसपा जब भी हार गए। तरह से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करवा दी, अभी क्यों कह रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट चले जाओ, आदेश तो मानोगे? आदेश का कोर्ट भी बिकी पड़ी है, कांग्रेस के नेता ने फंसवाया राहुल गांधी। अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने लगा दिया, हमारा प्रधानमंत्री अनपढ़ है, गवार है, ठीक है, तो कल केजरीवाल पर 25,000 जुर्माना ठोक दिया। एमए बीए की दोनों डिग्री फर्जी निकली। किसकी फर्जी निकली? मोदी की। और जैसे उसकी सुनवाई होनी थी, एक घंटे पहले उसकी सदस्यता बहाल कर दी। ये बीजेपी सरकार जो है ना, बेकार, बिल्कुल कानून व्यवस्था कुछ भी ना, भंग है, बिल्कुल बेकार है। नमस्कार, मैं हूं सुदीप सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। जिस प्रकार विपक्ष लगातार बीजेपी पर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है, तो इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ हम चलेंगे जनता के बीच में और जानेंगे जनता से जनता की राय। चाचा, 2024 लोकसभा चुनाव पास में किसकी सरकार देखते हैं? सरकार कांग्रेस की चाहिए। सरकार भैया बर्बाद कर दिया ने। मोदी की बनेगी। मोदी की सरकार क्यों बनेगी? बैदलपुर का हम लोग कहते हैं कि ना यहाँ पे दिने क्या उनका जो आपके महेश शर्मा सांसद ना वो आते हैं, और ना आपके जो नोएडा के विधायक पंकज सिंह वो आते हैं, गाँव में कोई विकास नहीं होता है। भैया यहाँ नोएडा क्षेत्र में बीजेपी की सीट निकलती है, यहाँ दोनों मिलकर लड़कर देख लिए सपा और बसपा जब भी हार गए, नोएडा से बीजेपी की सीट निकलेगी और किसी की निकले ही ना। भैया बीजेपी की सीट निकलवा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? भैया ईवीएम में तो कुछ भी कर सके, अभी लगा रहे हैं आपके ऊपर। ये तो ऐसे जो हारने वालों कुछ ना कुछ तो बोले, कोई जब हारे को तो कुछ ना कुछ तो बहाने। हार मान रहे अपने आप? हम क्यों हार माने भैया, कह तो रहे हैं हारने वाले कुछ भी बोलते हैं। अब ये डर रहे हैं भैया, सत्ता से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करवा दी, अभी क्यों कह रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट चले जाओ, मना कर दो, ऐसी जब घर छीन लो उसका, जेल भेज दो, अपने आप पता लग जाएगी तो मैं सरकार जा रही है क्या आ रही है, क्या कहेंगे आप? तो कह रहे हैं आपने जेल भेज दिया, सदस्य उनकी छीन ली, सदस्य सरकार ने थोड़ी छीनी है, और किसने छीनी है? चोर को चोर, मैं भाई कोई तुम्हारे घर में चोरी करके जाए, उसे चोर का, ये तो कह रहे हैं कोर्ट का आदेश, आदेश तो मानोगे? आदेश का कोर्ट भी बिकी पड़ी है। अभी ये तो कोर्ट पे ही, अभी उस दिन पीएम मोदी ने यही कहा था कि कांग्रेस वाले जो हैं या जो राहुल गांधी हैं, जो जो विपक्षी पार्टी है, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो कोर्ट पे भी सवाल उठाते हैं। कांग्रेस के नेता ने फंसवाया राहुल गांधी, कांग्रेस आप क्या कहेंगे? अरे भैया चोर चोर मौसेर भाई, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों ने ही फंसवाया राहुल गांधी को। बात तो बताओ जिस, अब तुम्हारे यहाँ मैं तुम्हारे कैमरा चुरा के ले जाऊँ, तुम क्या कहोगे? मुझे क्या कहोगे सही बताओ? चोर कहोगे ना? अरे चोर कहना का गुनाह कर दिया बस। चोर कितने बड़े बड़े वकील हैं, कितने बड़े बड़े वकील, सबसे ज्यादा कांग्रेस में वकील, फिर भी इन पे यूं ना बचो, और छोटो सो केस हो। ये तो भैया सत्ता जिसकी वही है, कांग्रेस के नेता ने ही फंसवाया राहुल गांधी। अभी पता लग जाएगी, अभी कर्नाटक चुनाव आ रहा है, कर्नाटक चुनाव में ही पता लग जाएगी ना 13 मई। तो कर्नाटक में जाके पीएम मोदी ने वहाँ पे बेंगलुरु में मेट्रो भी दिया, मेडिकल कॉलेज भी दिया, इसके पहले बीजेपी वहाँ सबसे ज्यादा सीट पाई थी 102 सीट, तब भी कांग्रेस 86 सीट पे थी। अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने लगा दिया, हमारा प्रधानमंत्री अनपढ़ है, गवार है, ठीक है, तो कल केजरीवाल पर 25,000 जुर्माना ठोक दिया। जो क्या कहेंगे आप? वही तो मांग रहे डिग्री का, तुम्हारी डिग्री देख लो, आके धरिए डिग्री देख लो, केजरीवाल वहाँ से वाराणसी से ना लड़े मोदी के सामने, जब कागज ना देखे उसके, कहाँ देखा है कागज, देखे ना देखे, जब सामने लड़ा कागज देखता, फर्जी फर्जी कागज है। एमए बीए की दोनों डिग्री फर्जी निकली। किसकी फर्जी निकली? मोदी की, दोनों दोनों डिग्री फर्जी। अब क्यों ना दिखा रहे फिर? अब क्यों ना इलेक्शन लड़ाए, जब आपने वो ना दिखाते, सब आईडी दिखा, सब आईडी दिखाए एमए उसकी, सब उन पे हैंगे आईडी। अच्छा 24 में किसको चाहते हैं आप? कांग्रेस। कांग्रेस क्यों? तो बीजेपी वाले कहते हैं या जनता कहती है कि 70 साल लूट लिया उन्होंने, तो ये तो आपको भी कहते हैं कि 70 साल देश क्यों लूटा इन्होंने? ये फर्जी डिग्री थे, ये फर्जी डिग्री। अच्छा आप हमको ये बताइए, 2017, 2014, फिर 2022 लगातार बीजेपी जीतती आ रही है, और बीजेपी ये भी कहती है हमने रोजगार दिया, महंगाई कम किया, शासन व्यवस्था बहुत अच्छी है, क्या कहेंगे? 2017 में तो वाकई लहर थी, 14 में 17 में तो, लेकिन 19 में जो जवान शहीद हुए ना पुलवामा में, उनके चक्कर में ले आए, हिंदू मुसलमान के मैं पुलवामा हमले के मैं मंदिर के चक्कर में आ गए दोबारा, ठीक है। और 2022 का चुनाव, 22 का चुनाव किसने देखा है? वोट ना डलन दी भैया, वोट गुजरात की पुलिस आके चुनाव करवाई, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की पुलिस कहाँ चलेगी? ये तो आपके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि गुजरात की पुलिस आके उत्तर प्रदेश के चुनाव करवाएगी। ना जीते कहीं से भी, कांग्रेस इस देश को
खत्म होनी है, खत्म। और राहुल गांधी तो इलेक्शन लड़े ना, कभी भी ना लड़े अभी इलेक्शन ना, ना लड़े। क्या कहेंगे तो सीधे कह रहे कि राहुल गांधी अब कभी लड़ी नहीं पाएंगे। समय आने दो, समय आने दो, अभी समय आने दो। अभी अमित शाह कल अपने अमित शाह ने भाषण में कही है कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, इन्हें जाना चाहिए जब अपनी सदस्यता बचाने के लिए। इनकी ऐसे अभी एक वो है वहाँ का सांसद था, उसकी भी ऐसे ही, उसके साथ भी इन्होंने ऐसे ही किया, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट चला। जैसे सुप्रीम कोर्ट गया और जैसे उसकी सुनवाई होनी थी एक घंटे पहले उसकी सदस्यता बहाल कर दी। क्यों? अच्छा, आपको पीएम मोदी में राहुल गांधी नेता बड़ा कौन लगता है जिसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा हो? भैया हम तो झूठा मानते हैं। किसको झूठा मानते? प्रधानमंत्री है तो कहे नहीं आके बनारस लड़िए, उनके खिलाफ चुनाव बैनर कहे चले गए? लड़ा था तेज बहादुर यादव, क्यों क्यों वो उसका वो टिकट रद्द करा दिया था? भाई तेज बहादुर यादव लड़ा था, नहीं लड़ा समाजवादी से, गया था इसके सामने नहीं। तो आपको लगता है कि बनारस जाके मोदी के खिलाफ जीत जाते? लड़ा तो फिर तेज बहादुर यादव जीत जाते, वो जीत का आएगा। राहुल तो अब सदस्यता ही खत्म होगी उसकी, तो 8 साल लड़े ही ना, ना तेज बहादुर यादव कर रहे हैं ना। हम यूपी से तो भाग गो राहुल। अच्छा भैया 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 ये बताइए आप, वायनाड से भी राहुल हार तो इसलिए उसने अब कर दी कि मैं इलेक्शन ना लड़ू। प्रियंका गांधी लड़ेगी अभी जीत। कहाँ से लड़ेंगे प्रियंका? वायनाड से। अच्छा, राहुल गांधी का या गांधी परिवार का गढ़ माना जाता था रायबरेली, तो रायबरेली में स्मृति ईरानी आई थी ना, तो वहाँ से क्यों भाग गए वो? ना ईवीएम है ना, जबरदस्ती हराया। अभी अखिलेश यादव ना हराई 170 सीट, 12 वोट से लेकर 1200 वोट तक। तेजस्वी यादव के साथ क्या किया बिहार में बताओ मुझे, कहाँ मध्य प्रदेश में क्या हुआ? बनी सरकार को खरीद लिया। अब तो ये जिसके पास पैसा, बीजेपी के पास पैसा है सत्ता में, भाई नोटबंदी क्यों करी इन्होंने? कांग्रेस मुक्त हो जाओ देश। ये तो कांग्रेस मुक्त कर रहे हैं देश को, हम अंधभक्त मुक्त भारत करेंगे। छोटी छोटी पार्टी ये भी खत्म सब। अच्छा, आपको लगता है कि विपक्ष एक साथ आएगा आपकी 2024 में? घूमना रहे सारे सांसद विपक्ष के, एक साथ बैठे धरने पे संसद के सामने। भाई चोर एकजुट होगा विपक्ष, लीजिए तो कह रहे 19 में एकजुट हुए थे, 19 में कहीं ना हुए, कौन हुए, कितने हुए बताओ भाई? इनके साथ भी 33 दल है। अच्छा, विपक्ष मान लीजिए आता है, एक साथ आता है, तो आपको लगता है कि इसमें कोई प्रधानमंत्री बनने का दावेदार रहेगा या किसको बनाएगी विपक्ष? बनाए हमें इसकी तो पता ना, आपके हिसाब से कौन बनेगा? हमें तो ये, अरे ममता बनर्जी बने या वो बने, क्या नाम बिहार का, नीतीश कुमार बने। नीतीश बन सकते प्रधानमंत्री जब सारा विपक्ष एक साथ आएगा तो? कोई एनसीपी के वो बन सकते, शरद पवार, कोई भी हो सके। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस पर जिस तरीके से कह रहे हैं? सामने कोई नाटक है भैया, जब तक मोदी जी रहेंगे जब तक मोदी रहेगी, जब तक मोदी रहेगी भैया। एफआईआर हो जाए भैया, चोर डर लगे। जब चोर को रिश्तेदार बता रहे हो, चोर नहीं कह सकते तो चोर तो रिश्तेदार ही निकलेगा तुम्हारा। आज तक बीजेपी सरकार रहेगी। ये लीजिए बड़ा एनकाउंटर, आपने कहा कि 2024 में सरकार बदली, तो कह रहे 2050 तक। जब तक ये जो दुकान ये बनाए बैठे है ना, सब बिक जाएंगी। अगर 2030 तक भी मोदी रह गया तो देश में कुछ भी ना बचे, अगर जिसे बेच सको तुम। क्या कहेंगे? और यूपी में जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं योगी, ये अभी 2 बार और बनेंगे प्रधानमंत्री बन सकते, योगी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। योगी जी 24 में बनेंगे, इसके बाद बनेंगे है? उसके बाद बन सकते हैं। ये तो 24 नहीं लेके आ रहे हैं, तो कह रहे 24 विपक्ष आएगा, कांग्रेस आएगी। चांस है, देखो क्या होता है, अब चुनाव में देखते हैं क्या होता है। 400 सीट आएंगी बीजेपी की। अच्छा ठीक है, 2024 में आप कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी, और आपके पास पीएम का फेस जो है, उनका जो चेहरा है, आप बता रहे हैं कभी ममता बनर्जी को बता रहे हैं, कभी नीतीश बता रहे हैं, तो सारे विपक्ष की बात है। हमारे एक आदमी थोड़ी है, हम कौन से विधायक है कहीं से, हम भी तो तुम्हारे जैसे ही वोट डालने वाले, हम तो सीधी बात करें, हम तो चोर ने तो वोट ना दे में। बस विपक्ष को वोट देंगे चाहे किसी भी दे में। अच्छा, यूपी में आप देख लें कि योगी राज में, योगी लगातार कहते भी हैं जो मुख्यमंत्री हैं कि कानून व्यवस्था एक नंबर हो गई, प्रशासन एक नंबर है, बलात्कार कर रहे विधायक सांसद, कहीं किसी की लड़कियां मार के जला दे पुलिस, कौन सा कानून व्यवस्था ठीक हो रहा? किसी के अपराध कर रहा हूँ मैं, मेरे घर तोड़ रहे हैं, चाहे मेरी घरवाली के नाम है चाहे मेरे बच्चों के नाम है, मेरे नाम पर मेरा घर तोड़ दिया, बच्चे परेशान है, काहे का कानून है भाई? सरकार बढ़िया है भैया, योगी जी की सरकार बढ़िया है। अरे भैया मुकदमे डर लग रहा है इन्हें, इनके ऊपर कौन मुकदमा लड़ेगा, इनके ऊपर कौन मुकदमा करेगा? तुम चोर कह दो, अभी मुकदमा लग जाएगा, मैं कह रहा हूँ मेरे ऊपर लग जाएगा। आप तो कह रहे हैं चोर, मैं तो कहूंगा भैया किसको चोर कह रहे हैं आप? ललित मोदी, नीरव मोदी, ये सारे भगोड़े जो सारे चोर है। ये तो नीरव मोदी कांग्रेस में था ना, ये 2014 में वीजा किसने दिया भाई? वीजा तो उसने दिया, उसने सुषमा स्वराज ने कराए थे, इनका वीजा निरस्त ना हो गया 2011 में, फिर 2016 में वीजा दे के क्यों भगाए ये 15 में?
15 में और 16 में ही तो भगे, क्यों दिए वीजा जब इनके वीजा ही नहीं। अच्छा राहुल राहुल गांधी की हम बात करते हैं, तो राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की, आपको लगता है इससे कुछ चुनाव प्रभाव पड़ता? देख लो अभी देखने को मिलेगा तुम्हें। कहाँ पे देखने को मिलेगा? अभी जो जितने चुनाव हो रहे हैं सब में देखने को मिलेगा। निकाय चुनाव पास है, निकाय चुनाव में आप कितना सीट लेके आएंगे? प्रदेश ना देख लिए तुमने, हिमाचल प्रदेश ना ले लिए इनसे। यात्रा के बाद अभी कर्नाटक देखो, तीन राज्य में चुनाव हुए, तीनों राज्य में कांग्रेस हार गई, तो इसकी यात्रा फिर हिमाचल ना जीते। हिमाचल तो भाजपा का ही हो भाई, कांग्रेस कहाँ थी? राजस्थान और छत्तीसगढ़, तीसरा प्रदेश तो भाजपा। ये तो कह रहे हैं कि यात्रा फेल हो गई उनकी। कुछ नहीं, वहाँ कौन से बीजेपी की कितनी सीट आई है इन प्रदेशों में? जो वैसे गठबंधन वाली वो पार्टी है उन लोगों की सीट आई है जो क्षेत्रीय दल है। बीजेपी कितनी सीट है भैया वहाँ अपने बल पे? कहीं एक सीट राजस्थान में, राजस्थान में अगर यात्रा निकल के भी गई बहुत बुरी तरह हारेंगे। कौन हारेगा? कांग्रेस। कांग्रेस वहाँ सरकार है? हाँ कांग्रेस सरकार है राजस्थान में, कांग्रेस सरकार है, हारेंगे। अब आपके यहाँ से राजस्थान में लेके जा रहे हैं, आप 24 की बात कर रहे हैं कि 24 में आएगा कांग्रेस? ये अंधभक्ति का चश्मा चढ़ा हुआ, चश्मा उतरवाओ, दो तीन अब एक साल पीछे इनका चश्मा उतर जाएगा तब पता लगेगा दूध का दूध पानी का पानी। चाचा आप क्या देखते हैं, बेरोजगारी अगर विपक्ष कहता है तो आप किस तरफ देखते हैं 2024 में क्या लगता है आपको? नहीं भैया बीजेपी आएगी सरकार, बीजेपी की यानी घर घर मोदी और हर मोदी, ये होना ही होना है। क्या कह रहे हैं आप? ये यादव है डरे बैठे भैया, यादव और मुसलमान डर रहा भाजपा से, कभी तुम्हारे यहाँ बिल्डोजर ना आ जा। मैं भी यादव हूँ लेकिन हम तो भैया डर, हम ना डरते, खुल्लम खुल्ला कहें जो कहना और साफ कहेंगे बिल्कुल बीजेपी को वोट ना दें। अच्छा चाचा कोई बुरा थोड़ी करा है, ना तो मोदी ने करा ना योगी जी ने करा, किसी का बुरा कहाँ कर बुरा करा है, यादव जी का कहाँ बुरा करा है, वे तो सबके साथ। अच्छा मोदी तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो आप कैसे कह सकते हैं कि बोले यादव के ऊपर केस हो रहा है, यादव के इनकाउंटर हो रहा है? बहुत हमारे सामने हुए हैं ना बहुत लोग, बहुत यादवों के इनकाउंटर, और सबका सबका विकास क्या, सबका नाश सबका सत्यानाश होना है। इस बार सरकार और आगी तो खाल भी बेच देगा तुम्हारी। सरकार आएगी बीजेपी की? जो सरकार आगी तो आएगी बीजेपी की सरकार ना, हमारे आप तो कह रहे सरकार आ गई तो हम ना आ रहे, हमारी नजर में ना आ रही, आगी तो देश बेच देगा। अब जन ये भाषा बोल रहे ना हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में, इनका कपड़ा भी रहता सिर्फ शरीर पर तो बता दीजिए। इतना बड़ा आरोप बीजेपी के ऊपर कि अगर फिर से बीजेपी आए तो देश भेज देंगे, हारने वाला आरोप तो लगा कोई, कभी ईवीएम पर आरोप, कभी वैसा आरोप, कुछ ना कुछ आरोप तो लगाएंगे। ये आइए इस देश से कांग्रेस खत्म हो लगी, खत्म होगी। तो आप चाहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत हो? हम तो चाह रहे हैं। ये तो 24 सरकार लेके आ रहे हैं, जिता रहे हैं, ममता बनर्जी या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बना रहे हैं? कोई नहीं बने, मोदी के सामने कोई नहीं टिकेगा। सारे सारे डर रहे भैया, इन्हें ज्यादा मत डराओ, थोड़ी देर पीछे किसी निकल जाए कपड़ा में, फिर काम उखा कर डरा खा करो, बिल्डो डरा जा गया यार। अच्छा हम बात करते हैं चाचा, 24 में आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं 24 चुनाव को? भैया हम भी जमानत करके आए हैं अभी, ये बीजेपी सरकार जो है ना बेकार बिल्कुल। वो तो कह रहे बीजेपी सरकार में बहुत लाभ हो रहा है लोगों का, जमानत करके आए कल हम भी, मेरे केस नहीं झूठे लग रहे हैं ना। अच्छा यहाँ की कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था कुछ भी ना, भंग है बिल्कुल, बेकार है। इस सरकार में आपको योजनाओं का लाभ मिला? भैया हम तो, हमें तो कुछ लाभ मिला ना है, और ना हम वोट देते इस सरकार को, हम तो यहाँ भी उससे देंगे भी, सपा है, हम तो सपा वाले हैं। तो कह तो रहे हैं कि लगातार सबको फ्री राशन मिल रहा है, कोरोना सबको फ्री राशन, कौन खा रहा है फ्री, हम खा रहे हैं, हमने देखा है ना। ये तो कह रहे हैं, कह तो रहे हैं आपके सामने ही कह रहे हैं कि लगातार सबको कोरोना काल में फ्री में राशन मिला। जो थैला है ना उसके साथ पैसा जमा करने पड़ेगा वापस, जब जांच होगी तो पता लग जाएगी ना। जैसे किसानों को दे दिया ना मध्य प्रदेश में 2,000 रुपया, जब उनके ये कह दी ना जो आयकर आयकर चुका रहा इसके 10 गुने पैसा जमा करेगा, कहाँ से जमा करेगा, कई तो आत्महत्या करके मर गए किसान जिन पर नोटिस आई। ये जो 2,000 रुपए ले रहे हैं ना फ्री का राशन, जिसका 2024 में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ये तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनेगा, बाबा बागेश्वर नाथ हैं जो बालक वो हैं मध्य प्रदेश, हिंदू मैं मानना हूँ हिंदू राष्ट्र बनेगा ठीक। अब फिर उसमें जाति में लड़ाई होगी, कौन सी जाति बड़ी हिंदू में, जो पिछड़ी जाति है ये दलित हैं इन्हें कहाँ गिनोगे फिर? ये तो इन्हें तो अब हिंदू ना मानते, तुम जब भी ना मानो फिर ये भी तो लड़ेंगे हमसे आपस में, ये हिंदू ना क्या भाई? जो हरिजन जाटव है ये कहाँ जाए, धीमर मल्ला कुम्हार ये लोग भी तो फिर लड़ेंगे भाई, हम भी तो हिंदू हैं, तुम इन्हें हिंदू ही ना मानो। 17-18 जाति तो है नीची जाति बिल्कुल। अच्छा राहुल गांधी ने कांग्रेस के ऊपर भी कटाक्ष किया था जब उनसे बीजेपी लगातार कह रही थी आप माफ़ी मांग लीजिए,
और माफी किस चीज की मांग ले? माफी कोई तीर मार दे, तलवार मार दे किसी के, ब्रिटेन में जाके अगर आपके देश के खिलाफ या आपके देश की गोपनीयता भंग करते हैं, उनके खिलाफ ऐसी साजिश रचते हैं। तुम तो कीड़े मकोड़े बता रहे हो, हमने इस देश में पैदा होकर प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री कह रहा है, हम तो 2000 इससे पहले हमें तो ये लगता था कि हम कौन से हिंदुस्तान में पैदा हो गए, कीड़े मकोड़े की जिंदगी, कीड़े मकोड़े से ज़्यादा बदतर जिंदगी है यार, ये बढ़िया है। उसने कहा हमारे देश की सरकार संविधान खत्म कर रही है, बस संविधान की तो बात करी उसने, लेकिन किसी देश में जाके अगर आप अपने देश के संविधान की बात करते हैं, और जब यहाँ तुम्हारी कोई सुनेगा नहीं तो कहाँ कहोगे बताओ? आप जाके पड़ोसियों से, घर का झगड़ा जो रहता है घर में सुलझाया जाता है ना। इसी बात बताऊँ मैं तुम्हें, हमारे यहाँ नदी में नाव चल रही है और इस नाव से इन दोनों तीनों गांवों को फायदा, आपस में आना जाना है तीनों नाव। उसने पुलिस के खिलाफ ट्वीट किया कि पुलिस पैसे लेकर नाव चलवा रही है, अब 3-4 दिन हो गए नाव बंद पड़ी है, अब वो कहाँ जाएंगे? जो 100-200 लोग जो उससे हजारों लोग प्रभावित हैं, जिससे जो आना जाना जिनका इधर से, अगर वहाँ से जाओगे हैवतपुर से जाएंगे तो 5 किलोमीटर तो इधर हाईवे, पल्ली तरफ को जाएंगे तो 5 किलोमीटर उधर हाईवे, नाव से उनका 1 किलोमीटर का रास्ता है और इधर से जाएंगे 8 किलोमीटर का रास्ता दोनों तरफ से। उसने आकर नाव बंद करवा दी, ठीक है, उनकी नाव पुलिस भेज कर वो करवा दी, अब वो कहाँ जाए? आप इसको लेके, आप इस समस्या के लेके प्रशासन के पास गए? आप शासन के पास गए? आप तो क्या कहते हैं वो लोग? सुनो, प्रशासन क्या करेगा भैया, वो उनके ऊपर उगाही का आरोप लगा दिया। जब किसके ऊपर? चौकी प्रभारी के ऊपर, थाने प्रभारी के ऊपर। कौन लगाया? उसने, पत्रकार ने, ठीक। अब उसके खिलाफ कहाँ जाए बताओ? कहीं तो जाएंगे ही, ये भी तो किसी अधिकारी के पास तो जाएंगे, भैया ये हमें परेशान कर रहा है, तुम ये मान लो, हमसे कहो भाई 10,000 रुपया, 5,000 रुपया, 1,000 रुपया, 100 रुपया मुझे चाहिए, ठीक, मेरे पास नहीं है तो मैं कहाँ से दूँ तुम्हें, और क्यों दूँ? मैं कोई 2 नंबर का काम थोड़ी कर रहा हूँ जो मैं तुम्हें पैसे दूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत। अब भैया तू परेशान करेगा तो हम तो किसी के पास तो, लेकिन लगातार योगी सरकार यही कहती है ना कि भ्रष्टाचार कम कर रहे हैं हम। मेरी अब एक बात तो बताओ, यहाँ का जब सरकार ना सुन रही किसी की बात, सरकार सुन रही है किसी की बात, तो भैया आदमी दूसरे देशों में, अभी तुम्हारे देश में कितना छपा कि राहुल गांधी के साथ गलत हुआ, सदस्यता खत्म कर दी चोर कहने पे, कितने देशों में छपा? तुम तो पत्रकार, लेकिन वो लेके, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए आप, लेकिन वो तो किसी, अगर आप किसी व्यक्ति विशेष पर, किसी जात पर, किसी समुदाय पर ऐतिहासिक टिप्पणी उन्होंने की थी ना, उसकी बहाल कर दी उन्होंने, तो आप ये देखिए पहुंच गए ना जा रहा, क्यों गलती थोड़ी है, चोर ही तो कही है, चोर को चोर कहना पाप है, किसी जात को एक तरफा करके, किसे किसी जात को एक तरफा, उन्होंने कहा कि पता नहीं कैसे इतनी मोदी निकलेंगे। एक बात बताओ, कौन सा मोदी ओबीसी में है भैया? कौन सा मोदी ओबीसी है जो इसका एक ओबीसी नाम लगा दिया? हम भी तो ओबीसी है, हम तो ना करे, हमारी बदनामी कर रहा, गलत बात है, तो झूठा प्रचार करो यार तुम, बिकी हुई मीडिया सारी, बिका हुआ सारा सब ठटरम, ये गलत बोल रहे हैं, बिकी हुई मीडिया होगी लेकिन हम बिके हुए लोग नहीं है। अगर मैं आपके पास आया हूँ तो मैं आपकी आवाज को उठाने के लिए आया हूँ, यहाँ पे पूरा चैनल उठा कर देख लो, ठीक। अतीक अहमद कर तब दिखा रहे हो, क्या दिखाया तुमने? जिस दिन राहुल गांधी की वहाँ सत्याग्रह चल रहा था 5 बजे के बाद, अतीक अहमद करता हुआ दिखा रहे थे, यही करते दिखाने के लिए मीडिया चैनल है। अरे चौथा स्तंभ है यार, डूब मरो, सच नहीं बोल सकते तो झूठ भी मत बोलो, झूठे जो फैला रखे हैं, ये चल रहा है वो चल रहा है, पाकिस्तान बर्बाद हो गया, चीन में ये हो गया, हाहाकार मच रहा है, अरे कहीं कुछ ना यार। अभी सुनो, जहाँ चुनाव आएंगे वहाँ कोरोना नहीं है, अभी यहाँ चुनाव ना हो यहाँ कोरोना आ जाएगा। आप ये कहने मतलब जो इतना बड़ा त्रासदी फैली, लोग मरे, कोरोना नहीं था वो? मैं खुद किसान आंदोलन में रहा 13 महीने, ठीक, आज तक एक इंजेक्शन ना लगवाया कुछ भी, 2 महीना रसोई चलवाई 65 दिन। हम मान लेते अगर भारत में ऐसा हुआ, लेकिन पूरे विश्व के लोग परेशान थे ना इससे? नहीं यार, जो ये आधी तो मीडिया अभी फैला रही, बीच में चीन में ये चल रहा, चीन में वो चल रहा, वहाँ एक हिंदुस्तान का आदमी चला गया, उसने लाइव करके दिखाया चीन में ऐसा कुछ नहीं है जो देश की मीडिया दिखा रही है, फिर क्या करें? तो इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान मत दो, लोगों का ध्यान मत भटकाओ, अपना जो खा कमारा खा कमान दो। अभी बंगाल में वहाँ हिंदू मुस्लिम छिड़ रही है 5 प्रदेशों में, अभी यार यहाँ कोई हमें यहाँ गोली चलवानी है, कोई आदमी मरवाना है हिंदू मुसलमान करवा के? हमारे यहाँ तो खूब त्यौहार हो, मैं हिंदू का भी हो मुसलमान के भी हो, यहाँ तो कहीं लड़ाई ना हुई आज तक। तो यही जो योगी कहते हैं कि पहले सरकार में दंगा फसाद होता था, कोई ये नेता ही करवा, और एक नेता मरो आज तक मुझे एक किसी अंदर उसमें हिंदू मुसलमान में कोई नेता मरो उसका नाम बता दो, एक कोई नेता मरो, पब्लिक मरे, ये तो कीड़े मकोड़े कटेंगे मरेंगे यहीं रहना, यहीं किसी के बालक मर रहे, किसी का बुजुर्ग मर रहा, किसी घर में कमाने वाला ना बचे, किसी का कुछ ना, तो ये तो भैया कुछ मीडिया है और कुछ नेता, ये दो ही चीज़ें लड़ाने का काम कर रहे हैं, बाकी पब्लिक है यार खा कमारी अपना आराम से, यहाँ सारे बैठे हैं, कोई पक्ष की बात कर रहा है, कोई विपक्ष की बात कर रहा है, कोई किसी की बात कर रहा है, कोई किसी, तो ये गलत बात है भैया, ये तो तुम्हें देख देख का आधी तो आग वैसे लगे,
ये तो जो मीडिया वाले जो न्यूज़ फैलाते हैं ना, वहाँ मुसलमानों ने ऐसा कर दिया, मंदिर तोड़ दिया, हिंदुओं ने ये कर दिया, मस्जिद तोड़ दी, ये ममता बनर्जी करवा रही है, शिवसेना करवा रही है, ये करवा रहे हैं। भैया कोई नेता मरा, मुझे एक नाम बता दो ना अभी तक। अगर किसी हमारे यहाँ मुझे फरनगर में दंगा हुआ था, किसने करवाया था? आजम खान ने, और उसने हुकुम सिंह, कौन थे हुकुम सिंह, इन दो तीन नेता बड़े बड़े, बताओ मुझे कौन सा मरा। गांव के गांव खाली हो गए आज पलायन में, कोई गांव छोड़ कर कहीं झोंपड़ी गिर के पड़ा, कोई कहीं, और कितने लोग मरे नहर में, कितने लोग हजारों की तादाद में लोग मरे। क्या दिखाया भाई, दंगा तो नेता ही करवा यार, कौन या मीडिया करवा, हम तुम थोड़ी कर रहे दंगा, हम आपस में थोड़ी मार लगेंगे ईंट, कोई भाजपा की बात करे, कोई कहीं करे, तो ठीक ना भैया। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश सिंह है साहब। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम खैर क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ के रहने वाले हैं। अलीगढ़ के रहने वाले हैं, दुकान में आप बैठे हैं, क्या इस समय धंधा कैसा चल रहा है, या सरकार में आपको क्या लग रहा है कि? दुकान तो खैर मेरी नहीं है, ये मेरे जानने वाले हैं, इनकी दुकान है। ठीक है, मैं तो यहाँ कुछ रोजगार है नहीं, इसलिए यहाँ बैठ गया हूँ। तो घर का खाना कैसा चलता है आपका, जो रोजी रोटी कैसे चलती है, बच्चे पढ़ाई कैसे करते हैं, अगर आपके पास रोजगार भी नहीं है, आप खाली बैठे हैं, तो इस सरकार से खुश हैं आप? नहीं जी, हम तो बिल्कुल खुश नहीं हैं। देखो, मैं प्राइवेट जॉब करता था, ठीक है, और अपोलो इंटरनेशनल में, ठीक है, वहाँ इतना दबाव दे रखा है, एक नया GM आया कॉटन का, उसे नॉलेज कुछ भी नहीं है, ठीक है, उसके बाद वो अपना मनी चलाते हैं, ना कोई ओवर टाइम है ना कुछ है, और बदतमीजी पने से पेश आते हैं ये लोग, ठीक है। और जो नया GM है उसका नाम है वो संजय ठाकुर, और एक बेचारा, देखो गलतियाँ सबसे होती हैं थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर, एक वो नसीम नाम का बंदा था, ठीक है, वहाँ पे जॉब करता था, मेरे साथ ही जॉब करता था, मेरे अंडर में काम करते थे, बहुत सारे लोग काम करते थे, तो उसे कह रहा है वो गंजे तेरे को काम करना नहीं आता, का ये 20 पैसे पास कर दिया, ठीक है, वो बेचारा बिहार, गाली की बात हमें मतलब अभद्रता, हाँ जी बिल्कुल, अब अशब्द से बात से। फिर मेरे को बुलाया, तेने ये कैसे पास कर भिजवा दिया माल, मैंने कि मेरी गलती थोड़ी नहीं है इसमें कोई, तो मैंने कि हम इतने साल से काम कर रहे हैं, क्या तुम कल से आ गए, तो ये काम गलत होने, तो गलती किस किस में थी? सरकार की गलती आपको दिखती है कि मालिक किस? सरकार की तो प्योर प्योर गलती है। कैसे सरकार कैसे गलती है? छोटे गरीब की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, ठीक है, सरकार तो लगातार कह रही है हम कि गरीबों को हम राशन दे रहे हैं, गरीबों को हम आवास दे रहे हैं। मैं देखो विकलांग आदमी हूँ, ठीक है, मेरा पैर देखो, ठीक है, मैं विकलांग आदमी हूँ, ना हमें कोई राशन मिलता है, ना कोई कुछ, कोई भी कैसी भी सुविधा नहीं है। 5-5 बेटी हैं हमारे, ठीक है, 2 की शादी कर दी, 3 पढ़ रही हैं, जैसे कैसे हम पेट पाल पाल के उनको पढ़ा लिखा रहे हैं, वो हमें पता है ना। पहले आज से 10 साल पहले जो राशन हमारे घर में 3500-4000 का आता था, आज की डेट में 12000 का राशन और ये सब खर्चा होता है, वो कहाँ से आएगा? इनकम है नहीं, बढ़ोतरी है नहीं कुछ, सैलरियाँ बढ़ नहीं रही हैं, क्या करोगे? और राशन आपको नहीं मिलता, आप कहाँ सांसद कौन है अलीगढ़ में? मैं तो यहीं रहता हूँ भाई साहब बहुत दिन से। तो यहाँ पे कौन सांसद कौन है यहाँ का? यहाँ पे महेश शर्मा है। विधायक कौन है? शायद यहाँ के तो पंकज जी से। अच्छा, पंकज सिंह। तो आप यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक से मिलने की कोशिश नहीं की आपने, कि अपने राशन की समस्याओं को लेके, या आपने आपने जो भी पैर दिखाया अपना, और जो आपके और मुद्दे हैं उस पर आपने कभी मिलने की कोशिश की इन लोगों से? अरे भाई साहब, वहाँ जाओगे तो हमारे जैसे को जाने नहीं देते, कोई कौन जाने देगा बताओ? वो जनता के पास आते हैं, नहीं आते वोट लेने। तो 24 में क्या चाहते हैं आप? 24 में किसकी सरकार देखते हैं आप? 2024 लोकसभा चुनाव में आप किस तरफ जाना चाहते हैं? हम तो साहब, हाँ, बदलाव होना चाहिए, और जो जनता के लिए करेगा, ठीक है, जो गरीब लोगों की तरफ देखेगा वो उसके साथ रहेंगे हम। बिल्कुल, जो जनता की तरफ जाएगा, जो जनता को देखेगा, जो गरीबी मिटाएगा, जो रोजगार देगा, उसकी तरफ जाएंगे। क्या कहेंगे आप? तो हम भी उसी के पास जाएंगे जो रोजगार देगा। सरकार से कितना खुश हैं आप? सरकार के काम से कितना खुश हैं? खुश किया हमें तो कुछ जैसे मिले ही नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हमारे जिला शाहजहानपुर के। शाहजहानपुर का सांसद कौन है आपके? ये तो हमें नहीं मालूम भैया। वोट आपने वोट किया था? वोट दिया था? वोट दिया था। और आपको सांसद का नाम ही नहीं मालूम? नहीं मालूम। तो आप ये बताइए कि शाहजहानपुर में विकास कैसे हुआ, वहाँ पे सड़कें कैसी वहाँ की? सड़कें लड़के तो सही हैं हमारे सड़कें। अच्छा, इस शासन में, योगी राज में लोग कहते हैं कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी है, सरकार भी लगातार इसके दावा करती है, तो आपको लगता है? प्रधान हम देते हैं वोट, प्रधान है महेश प्रधान हमारे यहाँ के। शासन किस नज़र देखते हैं आप? बीजेपी सरकार में जो शासन व्यवस्था इनकी है, कानून व्यवस्था इनकी है, रोजगार जो इनका है,
सड़क जो इनका है, और आप देख लें कि लाइट की बताते हैं कि गांव में लोग 18 घंटे पहुंच रही लाइट, तो आप किस नज़रिए इसको देखते हैं? तो लाइट आइट सब सही है हमारे इधर, अब सड़कें भी सही हैं। 24 में किधर जाएंगे आप, किस तरफ जाएंगे, किस पार्टी को वोट करेंगे? अब 24 में क्या, जैसे नई सरकार बनाएंगे, 24 में नई सरकार बनाएंगे। तो आपने सुना जनता को, जनता के जवाबों को, जिस प्रकार जनता लगातार ये कह रही है कि वाकई में महंगाई है, बेरोजगारी है, तो वहीं जो बीजेपी के लोग हैं, जो बीजेपी को वोट देते हैं, वो लगातार यही कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अब जाकर सुधरी है योगी के राज में। कैमरामैन सरताज के साथ मैं सुदीप सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, नोएडा।